हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में छोटा सा बेल आइकन है, उसका प्रेस करना ना भूलें। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। मैं अपनी स्टडी करने के बाद सीधा किचन आती हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव जी 1 बजे तक ऑफिस से आ जाते हैं, फिर उनको दोबारा 2 बजे ऑफिस जाना होता है। तो उससे पहले पहले मुझे लंच बना के तैयार रखना पड़ता है। तो मैं आज बना रही हूँ दाल चावल, अरहर की दाल एंड राइस। तो सबसे पहले मैंने दाल तो मैंने मॉर्निंग में ही उबाल के रख लिए थे, मतलब बना के रख लिए थे। तो उसके बाद सिर्फ मुझे तड़का तड़का ही लगाना था, तो तड़का मैंने फटाफट से दाल में लगा दिया था। और एक साइड मैंने चावल रख दिए थे। ये देखिए, जैसे कि मैं एक तरफ मेरे चावल रखे हुए हैं, दूसरी तरफ मेरे दाल बन रहे हैं, तो मैंने चावल उसमें डाल दिया। अब मेरा दाल और चावल दोनों बन के तैयार हो जाएंगे फटाफट से। दाल बन गई मेरी, चावल मेरे बन रहे हैं। बज रहे हैं दोपहर के 1:15। खाना मेरा बन गया है, दाल मेरी बन चुकी है, चावल मेरे बन रहे हैं। और मेरी बेटी देखिए परेशान कर रही है, अपनी बुक्स के साथ खेल रही है। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वो खेल रही है। वो देखो, तो अब मेरे पति देव जी आ जाएंगे 1 बजे। मेरा बेटा आ गया ट्यूशन से, ट्यूशन से आते ही वो पढ़ने बैठ गया। देखो मेरी बेटी बहुत शोर मचा रही है। हाँ बेटा, हाँ बैग। खाना मेरा बन गया था, तो मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही हूँ। पति देव जी के ऑफिस से आने से पहले पहले मैं अपनी बेटी को खाना खिला देती हूँ, क्योंकि वो कभी कभी लेट हो जाते हैं, 1:30 बजे आते हैं, कभी 1 बजे आते हैं। तो छोटी सी बाबू है, उसको भूख लग जाती है जल्दी, तो इस वजह से मैं इसको फटाफट से खाना खिला देती हूँ। जैसे कि ये देखिए कितने प्यार से खाना खा रही है मेरे साथ, ये ऐसे ही बैठ के खाना खाती है। पतिदेव जी ऑफिस से आ गए हैं, हमारा लंच तैयार है, तो हम अब लंच कर रहे हैं। A few minutes later. अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30। मेरी गुड़िया भी सो रही है, जब तक मैं अपने किचन का काम निपटा लेती हूँ। ये देखिए, जैसे कि आपको दिखाती हूँ, देव जी ऑफिस गए और मेरा जो बेटा है वो गया है क्रिकेट एकेडमी खेलने, अभी गया है जस्ट। और मेरे थोड़े से किचन में बर्तन है, ये इसको धो के फिर उसके बाद मैं अपनी गुड़िया को उठाऊंगी। गुड़िया को उठाने के बाद अगर मैंने गुड़िया को उठा लिया तो फिर मुझे काम करने नहीं देगी। तो सबसे पहले किचन का काम कम्प्लीट करके देन उसके बाद गुड़िया को उठाएँगे। बर्तन भी सारे साफ हैं, पूरी किचन नीट है। अब मैं जा रही हूँ गुड़िया को उठाने, देखो उठती है या नहीं उठती है, परेशान करेगी। ये देखिए, मैं आपको चलो पार्क चलेंगे। पार्क जाओगे? पार्क जाओगे? पार्क जाओगे आप? मेरा बेटा, ओए मेरा बेटा, मेरा फोन चलाओगे? फोन चलाओगे? इवनिंग के 4:30 बज रहे थे इस टाइम, तो इस टाइम मेरी गुड़िया का दूध पीने का टाइम होता है, इस वजह से मैं इसको दूध पिला रही हूँ। ये देखिए, इसका सिर्फ ये एक टाइम ही दूध पीती है इवनिंग के टाइम 4:30 बजे, उसके बाद ये दूध नहीं पीती, ना मॉर्निंग पीती है ना नाइट को पीती है, ओनली इवनिंग को ही दूध पीती है, बहुत प्यार से पीती है। ये देखिए जैसे पी रही है दूध। अब हम जा रहे हैं पार्क गुड़िया को लेके, हम इसको पार्क लेके डेली जाते हैं। पतिदेव जी ऑफिस से आ गए हैं, तो उनके आने के बाद हम पार्क जा रहे हैं। ये देखो मेरी बेटी कितनी एक्साइटेड है पार्क जाने के लिए, बिल्कुल रेडी है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? पार्क? पार्क में क्या करोगे? पार्क में क्या करोगे? खेलोगे? किसके साथ खेलोगे? भैया के साथ? पापा को तो बुला लो। पापा, आ जाओ। बॉल खेल रही है, खेलो जो बाबू के साथ खेलो, जाओ भैया के साथ खेलो। नहीं, अकेले खेलोगे? आज भैया के साथ खेलेंगे, चलो आओ आओ भैया के साथ खेलेंगे, चलो। वेरी गुड।
मारो। ये खेल रही है, तब तक मैं पतिदेव जी बैठ जाते हैं यहाँ पे। पूरी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही है। अब हम यहाँ बैठ जाते हैं। हमें लगा कोई होगा नहीं पार्क में, बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। ये देखो ट्रेन भी आ रही है यहाँ से। गुड़िया देख के खुश हो गई। गुड़िया की एक्साइटमेंट देखो, ट्रेन की, ट्रेन देखने की एक्साइटमेंट देखो। ये देखो खड़ी हो गई ट्रेन देखने के लिए। बाय कर दो ट्रेन को, देखो बाय कर रही है। बच्चे कितने खुश होते हैं ट्रेन देख के। ये देखो बहुत खुश हो रही है वो, उसके साथ चलेगी बाय करने ट्रेन को पास में। बूढ़ी बूढ़ी आंटी, सीनियर सिटीजन यहाँ पे लोग सैर कर रहे हैं। मेरी बेटी बैठ गई बाइक में पापा के साथ। अब मेरी बेटी मांग रही है माँ, माँ मतलब इसकी लैंग्वेज में है पानी। तो मैं अपनी बेटी को पानी दे रही हूँ। ये देखो पानी पी रही मेरी बेटी। मैंने बाबू को पानी दे दिया। अब मैं करूँगी पूजा, शाम का टाइम हो गया है, फटाफट से पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी मम्मी की तरफ। अपनी मम्मी का जो पैर है वो, उनके पैर में चोट आई है, तो उनको देखने जाऊँगी। और साथ में मुझे वहाँ पर जाके खाना बनाना है सबके लिए। तो फटाफट से पूजा करके फिर मैं मम्मी के पास जाती हूँ। आधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। मुरली बजाते हुए पूरा था तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए पूरा था तेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। गैया चराते हुए पूरा था तेरा श्याम देखा। फ्रेंड मेरी बेटी परफ्यूम लगाने के लिए बोल रही है। अभी हम पीहू की नानी के घर, मतलब मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। और ये देखो पापा को बोल रही है, पापा परफ्यूम लगा दो। वो देखो ऊपर रखा है परफ्यूम, वो परफ्यूम लगाने के लिए बोल रही है। लगाना है परफ्यूम, कहाँ लगाना है देखो। ढाई साल के बच्चे को, बच्ची को पता है परफ्यूम कहाँ लगाते हैं। देखो हंस रही है। और पापा इसके परफ्यूम लगाएंगे। लगा लो, वेरी गुड। अब चले, अब चले नानी के घर, चलो।